महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो एन लॉन्च करते टाइम अनाउंस किया था क्या 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 कि नॉर्मल स्कॉर्पियो भी सेल होती रहेगी इंडिया में स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से, लेकिन थोड़े बहुत अपडेट्स के साथ। वाओ, एक तरह से स्कॉर्पियो क्लासिक का फेसलिफ्ट, जिसकी तभी से ही टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और अब इस गाड़ी की थोड़ी बहुत क्लियर स्पाइड शॉट्स आई है जिनसे हमें काफी कुछ पता चलता है इस गाड़ी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी गाड़ी के कुछ मेन अपडेट्स और चेंजेस के बारे में जानते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और मेन चेंज जो कि गाड़ी का मेन अट्रैक्शन होगा वो है महिंद्रा का नया लोगो। तो इस वाली स्कॉर्पियो क्लासिक में भी हमको ट्विन पीक वाला लोगो मिलता है महिंद्रा का, जो कि XUV700 और स्कॉर्पियो एन में आता है, जिससे गाड़ी के लुक्स काफी प्रीमियम बन गई है और पहले के मुकाबले काफी बढ़िया भी लगती है। नेक्स्ट अपडेट है इस गाड़ी के एक्सटीरियर में, यानी थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस, जैसे फ्रंट में नई ग्रिल, वही सेम स्कॉर्पियो एन वाली। अच्छा, नीचे नया लोअर बम्पर, ठीक है, और साइड क्लाइडिंग, समझ गया। लाइट्स की बात करें तो उसमें हमको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे और ऊपर LED DRLs। साइड में मेन अपडेट मिलता है गाड़ी के एलॉयज में, तो इसमें हमको नए 17 इंचेस के 5 स्पोक डुअल टोन एलॉयज मिलते हैं, जिसमें बीच में नया लोगो इंटीग्रेटेड या फिर कह लो कि प्रिंट है। और टायर्स की बात कर ही रहे हैं तो इसके फ्रंट में हमको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी और रियर में ड्रम ब्रेक्स। अच्छा, रियर में चले चलो भाई, तो वहां पर सबसे पहला चेंज वही नया लोगो, उसके साथ जिस पर वो लोगो इंटीग्रेटेड है वो बार इस बार पियानो ब्लैक कलर में मिलती है, जो कि पहले क्रोम में आया करती थी। और टेल लाइट में मेजर चेंज है कि वो ऊपर तक अब पूरी रेड कलर की मिलती है, मतलब पूरा एक टेल लाइट का ही पार्ट है जो कि पहले ब्लैक आती थी। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर में। और ओवरऑल लुक्स की बात करें तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। हाय हाय, अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो गाड़ी में एंटर होते ही जो सबसे पहला चेंज दिखेगा इसका स्टीयरिंग व्हील, जिस पर नया लोगो मिलता है, साइड में पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है और साइडों में ऑडियो कंट्रोल और साथ ही क्रूज कंट्रोल मिलता है भाई। सेंटर में नई 8 या 9 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी, नीचे पूरा AC का नया कंट्रोल पैनल मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ, एंड और भी काफी सारी चीजें जैसे डिजिटल MID, नया गियर नोब, वुडन फिनिशिंग और साथ ही हाइट एडजस्टेबल सीट्स भी इस गाड़ी में हमको मिल जाती है। और बाकी इस गाड़ी की अभी पावर फिगर्स की डिटेल्स नहीं आई है कि उसमें कोई चेंज होगा कि नहीं, मेरे हिसाब से शायद नहीं होगा। जो पावर और इंजन अभी वाली माता है वही इसमें भी आएगा। ऐसे तो नहीं होता है। अभी वाली स्कॉर्पियो S3+ और S11 मॉडल के नाम से आती है, जिसमें हमको टोटल 6 वेरियंट्स मिलते हैं, लेकिन नई स्कॉर्पियो क्लासिक नॉर्मल S मॉडल और S11 मॉडल के नाम से आएगी, जिसमें सेम 2 वेरिएंट S और 3 वेरिएंट S11 में मिलेंगे, मतलब टोटल 6 वेरिएंट्स। समझ गया। और बाकी इस गाड़ी की सारी डिटेल्स इसके लॉन्च के बाद पता चलेगी, जब ये गाड़ी ऑफिशियली लॉन्च होगी। और पड़े स्कॉर्पियन बिग डैडी ऑफ SUVs है, लेकिन इस पर्टिकुलर गाड़ी का क्रेज अलग ही लेवल का है, क्योंकि ये गाड़ी लगती इतनी मस्त है और उसके ऊपर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो जाए तो आए हाय 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 हाय। तो ये थे कुछ चेंजेस और अपडेट्स जो कि होने वाले हैं नई स्कॉर्पियो क्लासिक में। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।